मेरा ये अपलोड एक ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करता है जिसमें ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियमों और कानूनों से खेल करना या खिलवाड़ करना वर्जित है। बचपन में ही आपके जीनोटाइप बन जाता है कि आपका आपका भविष्य का जीवन कैसा होगा, वही लेके आप पैदा होते हैं। फिर इसमें परिवर्तन की गुंजाइश इसलिए रहती है कि पॉल्यूशन, आपका रहन-सहन और सब मिला मिलू के इसको कुछ ना कुछ थोड़ी तो थोड़ी बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं, पर मूल रूप से आपका जीवन वैसा ही रहता है जैसा कि आपका जीनोटाइप है। इसे जीन मैपिंग कहते हैं। इसी के आधार पर आपका आपकी जिंदगी चलती रहती है। बहुत सारे लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मसलन शेर और चीते यानी कि लायन और टाइगर को मिला के एक ऐसी ऐसी स्पीसीज या एक ऐसा जानवर बना दे जो दो ना यहाँ का था ना वहाँ का था। बोधा लाइगर उसका नाम दिया। लाइगर एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जो ना टाइगर में था ना लायन में था, बल्कि वे एक बोधा बोधा सा अपने पिंजड़े में बैठा रहता था। उसके पास चले जाओ वो कुछ नहीं कर पाता था, उसमें मांस बहुत ज़्यादा था, तो यूजलेस। ऐसी बहुत सारे प्रकार हुए हैं। तो ऐसी ही कुछ कथा मेरी कहानी भी कहती है। ये कहानी मैंने एक फेबल के तरीके से ली है। तो कथा का मूल स्रोत कहीं नहीं है, इसे मन की परिकल्पना है, मगर संदेश ये जाना चाहिए और ये चाहे कि ब्रह्मा जी के रचे हुए विधान से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। आप अपना काम कीजिए, जो करने का बताया वो करिए। एक दिन दो भाई अपने पिता को लेकर भोपाल शहर के एक बड़े सर्जन के पास आए। सर्जन बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही कम पैसों का डिमांड, माने पैसा उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था। पूरी तरह से समर्पित अपने रोगियों के लिए, पेशेंट्स के लिए। दोनों भाई पहुँचे अपने पिता को लेकर और उन्होंने डॉक्टर से बताया, डॉक्टर साहब ये हमारे पिताजी हैं, हम लोग एक छोटे से गांव से थोड़ा बड़ा और कस्बे से थोड़ा छोटा ऐसी 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 जगह पर रहते हैं। हमारे पिताजी को 20 साल पहले डायग्नोस हुआ था कि इनको डायबिटीज़ है, और उससे पहले कितनी दिन पहले होगी कुछ अंदाज़ा नहीं है। 20 साल से ये डायबिटीज़ की गोलियां खा रहे हैं, मगर मिठाई भी उतनी ही खाते हैं, लिहाजा इनकी इनकी शुगर कभी कंट्रोल में नहीं रही है, ना खाने से पहले ना खाने के 1.5 घंटा बाद। हुआ ये कि इनको एक चोट लगी जो इनको मालूम नहीं पड़ी, और हमने गांव के हमने अपने शहर के या अपने कस्बे के डॉक्टर से सलाह ली तो उसने बताया कि इनकी जान खतरे में है, क्योंकि इनके पैर में गैंग्रीन हो गया है। गैंग्रीन जान लेके जाता है, लेकिन उससे पहले पैर कटवा देता है या कुछ, जहाँ जहाँ तक ये फैलता है वो कटवा देता है, पर इनको मृत्यु का भय है, इनकी मृत्यु का भय है और ये इनकी जान खतरे में है। पर मैं सलाह दे रहा हूँ आपको कि आप शहर में जाके डॉक्टर निगम से जांच करवा लें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने बताया मैं देखना चाहता हूँ, उनको चेक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखिए, चेक करने के बाद
डॉक्टर निगम ने कहा कि देखिए, मैं इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना नहीं चाहता, किस तरह की प्रोग्नोसिस है मैं नहीं बताना चाहता आपको, मगर मैं वो करूँगा जो मरीज़ के लिए बेहतर होगा या दी बेस्ट होगा। इनकी मैं पहले इनकी जान बचाने की कोशिश करूँगा, जान बच गई तो उनके पैर बचाने की कोशिश करूँगा, मगर इसमें आप आश्वस्त ना हो जाएं कि ऐसा होगा ही। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपकी बात मानते हैं, आपके बारे में सुना है हमने काफ़ी, और वो लोग मान गए। हमने कहा डॉक्टर साहब हम क्या करें, बोले आप घर जाइए या किसी होटल में जाके रहिए, क्योंकि इसके अंदर तो किसी को आने नहीं दिया जाता है, हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई नहीं आता है, सब कुछ यहीं से होता है, हमारे इतने कर्मचारी उनकी देखभाल करते हैं, आप सिर्फ मोबाइल पे हमसे जुड़े हैं बस, जब कभी मन करे आपका विचार थोड़ा सा डर लगे, वैचारिक डर लगे तो आप हमें फ़ोन कर लीजिए, हम पूरा हाल आपको बयान करवा देंगे और वीडियो कॉलिंग भी करवा देंगे आपकी। ये दोनों भाई संतुष्ट होके चले गए। अब होटल में बैठे बैठे क्या करें, तो ये लोग एक कॉलोनी के एक पार्क में जाके बैठ गए और बातें करने लगे। बड़े को ख्याल आया, यार भैया एक बात बता यार, अपन भगवान से ये प्रार्थना करते ही हैं, अपन पूजा करते ही हैं, भगवान से मांगते हैं, और भगवान की प्रजा के थ्रू यानी कि भगवान के भक्तों के थ्रू मांगते हैं कि पापा जी को दो दो पाँच पाँच दस दस मिनट सब लोग दे दें शहर के, और तो उनकी आयु भी बढ़ जाएगी। छोटे भाई ने कहा हाँ भैया ये ठीक है। तो वो हर घर के सदस्य को कांटेक्ट करने के लिए चले कि ऐसी दुआ दो कि हमारे पिताजी की उम्र बढ़ जाए, या अपने जीवन से 2 मिनट निकाल के दे दो, 5 मिनट निकाल के ले लो, जितनी भी आपकी श्रद्धा है। ये वो जमाना था जब दुआ या बद्दुआ लग जाती थी, लिहाजा ये लोग निकल पड़े, एक दिन पूरे दिन घूमे, दूसरे दिन पूरे दिन घूमे, सबसे मांगते हुए उम्र उम्र मिनटों में। 3 दिन लगातार घूमने के बाद इनको मालूम पड़ा कि सब जोड़ा तो किसी ने 2 मिनट दिया, किसी ने 5 मिनट दिया, किसी ने 15 मिनट दिया, किसी ने 20 मिनट दिया, किसी ने 7 मिनट दिया, सबने जैसे जैसे जिसका मूड आया वैसे वैसे उन्होंने दे दिया। अंत में 7 3 दिन के बाद जोड़ा तो मालूम पड़ा कुल आयु अभी तक 7 मिनट आई है। ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि पापा जी की आयु 7 मिनट तो बढ़ जाएगी। बोले यार मगर 7 दिन में क्या होगा यार, हमने 3 दिन अपनी जान खपाई की और 7 दिन में हम क्या कर लेंगे, 7 दिन में कौन सा बहुत अमृत मिल जाएगा। छोटा भाई थोड़ा जीनियस था, उसने कहा यार भैया एक आइडिया मेरे पास आया है। बोलो। क्यों ना अपन ये अपील इंटरनेट पे डाल दें। हाँ यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अपना जाएगा भी कुछ नहीं और आएगा तो फिर पता नहीं कितना आएगा, इतने कुछ लोग अच्छे होंगे तो डाल देंगे। तो उन्होंने इंटरनेट पे अपील डाल दी कि मेरे पिता की जिंदगी बहुत कम बची है, काम बहुत सारे करना है उन्हें, अगर आप लोग अपनी अपनी जिंदगी से 2 मिनट 3 मिनट ही दे दें तो हमारे लिए बहुत होगा, आपका तो थोड़ा सा जाएगा हमें बहुत मिल जाएगा। इंटरनेट में आधा घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर आधा घंटे बाद जो हुआ वो आश्चर्यजनक था। आधा घंटे बाद एकदम धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ टाइम्स आने लगे, डेट वो एज आने लगी, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल 80 साल 100 साल 120 130 140 150 160 170, ये सब होते हुए ऊपर ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त जी देख रहे थे। बोले प्रभु ये क्या होने जा रहा है,
ये तो हमसे भी आगे निकल जाएगा अगर इस तरह से हुआ तो। बोलो क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्रैश कर दो सिस्टम। ब्रह्मा जी ने एक हाथ मारा कंप्यूटर के ऊपर धाड़ से और सिस्टम क्रैश हो चुका था। मगर तब तक 210 साल आ चुके थे, यानी उनके पिता की उम्र 210 साल हो गई। अभी 80 के हैं तो इसमें से घटा लें, 210 में से 80 घटा लें तो 130 साल हो गए। 130 साल उन्हें अभी और जीना है। क्या बात है, ये तो खुश हो गए जैसे कि उन्हें न जाने कहां से क्या मिल गया है। दोनों भाई 130 साल की उम्र लेके चले हॉस्पिटल, तो डॉक्टर साहब बाहर ही खड़े हुए थे, धूप लेने के लिए 2 मिनट के लिए आए थे, सांस लेने के लिए 2 मिनट के लिए आए थे, और वो वहीं मिल गए। बोले अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आपसे ही मिलना चाहता था। अब देखिए चल के अपने पिताजी को देखिए, कितने बढ़िया तंदुरुस्त लग रहे हैं, इनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। बस हाँ मुझे एक टांग काटनी पड़ी। कल्पना कीजिए एक कटी हुई टांग के साथ 130 40 साल जिंदा रहना। सो डोंट टेम्पर विथ योर लाइफ, डोंट प्ले विथ योर लाइफ। और ऐसा कुछ चमत्कार की गुंजाइश भी नहीं रखी अपने आप में। थैंक यू।